ये देखिए जब गाड़ी चलती है ना तो ऐसे हिलती है ये, तो आज चलिए हम इसको बनाएंगे। तो नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो हुड खोलने वाला है वो हल्की सी आवाज़ करता है जब भी गाड़ी चलती है, बहुत छोटी सी आवाज़ करता है। वो मैं दिखाऊँगा, बहुत ही इजी तरीके से वो बन जाएगा। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके ऊपर ये 2 10 नंबर के नट होते हैं, इन्हें पहले खोल लीजिए। और बहुत मामूली सी चीज़ है, बहुत डिफिकल्टी नहीं है। आपका अगर ढीला भी होगा तो वो भी बन जाएगा। ये देखिए ये खुल गया अपना। अब इसके अंदर आपको ये केबल दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे केबल दिख रही है, और यहाँ पे इसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर देना है और इधर से लगा देना है तो खुल जाएगा। ये देखिए, ये इधर से धकेल देंगे, ये देखिए धकेल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा और नुकीला होना चाहिए, तो है। ये देखिए ये डाल दिए, ये निकल आए, अब ये बाहर हो गया। हमने केबल निकालने की कोशिश की पर वो इसमें फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लगाएंगे और उसे हल्का सा ठोकेंगे। तो लीजिए मारिए, हल्का हल्का मारना है आपको, इतना धीमे नहीं साहब। अब हम इनको मार देंगे, ये देखिए मार दिए, लाल पड़ गया। चलिए मैं इसको ठोकता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये हल्का ढीला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये निकल जाता तो हम क्या करते कि इसको नीचे रखते किसी बेस पे, ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे रखते और फिर इसको ठोक देते ना, क्योंकि एल्युमिनियम का है तो ये फैल जाता, तो गैप हट जाता। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है, और मेन क्या है ना कि इसको फैलाना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कोई सी भी रबर हो, समझ रहे हैं आप, जैसे ये मेरे पास है, ये फिर बाद में लगा लेंगे रबर। पहले इसको खोलिए यहाँ से ये वायर को, मैंने बताया कि ऐसे ही करके आप इधर से धकेलेंगे तो ये पूरा वायर बाहर आ जाएगा। फिर क्या करिए कि एक रबर लीजिए, यहाँ पे इसको पहना दीजिए, और ये देखिए इतना छोटा सा गैप है ना, यहाँ पे आपको रबर को पहना देना है। अब चूंकि मेरे पास रबर नहीं है तो ये देखिए ये लग गया, और फिर आप ये कम ही दिन चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक तरीके का फोम है, पर फिर भी ये देखिए अब ये कट हो गया ना। अब ये किसी प्रकार की आवाज ये नहीं करेगा, ये रबर यहाँ पे होगा तो आवाज नहीं करेगा, और ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा, ये देखिए, और कोई भी इसमें साउंड अब नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही कर लीजिए। अब क्या करना है कि आपको ये 10 नंबर के दोनों नट वॉशर सहित इसको लगा देते हैं, तो अब दूसरे वाले को भी लगा दीजिए। अब इसे टाइट कर दीजिए, ये टाइट, और इसे भी टाइट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये आपको थोड़ा और तो दिख रहा है, पर वहीं पे रबर लगाएंगे तो रबर सीधे जाके चिपक जाएगी। अब देखिए कोई भी किसी प्रकार, खैर ये बहुत शानदार काम कर रहा है, आपसे ऑनेस्टली बोलूं, थोड़ा सा और ना दिखे तो इसलिए मैं ऐसे, ये देखिए, हाँ अब नहीं दिखेगा, ये देखिए थोड़ा सा और, ये जो एक जॉइंट रहेगा तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, 2-3 रबर बैंड इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब देखिए इसमें ना प्ले है ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो ये हो गया देसी जुगाड़। दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको पूरा खोलना उलना पड़ेगा, ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। हाँ जी, अगर इसमें ज़्यादा प्ले आएगी तो एक प्रॉब्लम होगी कि ये जैसे ही इसका लॉक इधर पीछे साइड वाला कट जाएगा तो ये पूरा जो है ये बाहर आके गिर जाएगा। तो वो जब होगा तो फिर आपको इसको ठोकना ही पड़ेगा। अभी क्या होती है, इसके ऊपर रिपीट रहती है, ठोक देते हैं तो बाहर आ जाती है, और धीरे धीरे आपको खींचते खींचते वो कट जाता है, तब ऐसी चाल आ जाती है। ये देखिए ये मेरे में फिक्स है, देखिए मेरे में कोई प्ले नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया हुड से ये बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। अगर हुड से बाहर निकल जाएगा तो आसानी से बाहर आ जाएगा, वो मैं अगली बार चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। एक बात और, बहुत कंजेस्टेड एरिया था तो वो बिल्कुल ठोकते बन ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कहीं डैशबोर्ड में ना लग जाए, या दाएं बाएं ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए। अगर उसके लिए प्रॉपर जगह होती, या फिर थोड़ा सा पास में भी था, थोड़ा सा भी गैप होता ना, पीछे से अच्छा हैवी लगा के ठोक देता। घर पर होती मेरे तो मैं तो उसको बना ही देता, वो मार्केट में था, प्रॉब्लम ये हो गई। इस वीडियो में छोटी सी जानकारी आपके लिए थी, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने किया तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आपका ये वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।